हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन शेयर के बारे में। करंट प्राइसेस 7.70 एंड 0.65% का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है शेयर ने। फ्रेंड्स, बात करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज एंड में मैं आपको शॉर्ट टर्म टारगेट डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाली हूँ। 52 वीक लो इज़ 5.76 एंड हाई इज 20 के आसपास। सो फ्रेंड्स, फार्मा सेक्टर का एक बेस्ट पेनी स्टॉक है। शेयर मार्केट में डाउन ट्रेंड के रीजन से शेयर इतना नीचे आ रहा है, अदरवाइज शेयर में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म व्यू रखते हो तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है इस शेयर में। फ्रेंड्स, जो मार्केट कैप थी काफ़ी कम हो गई थी, बट फिर दोबारा बढ़ के इसकी मार्केट कैप 723 करोड़ हो गई है। कल इसमें 20% का अपर सर्किट लगा था, बट आज भी एक पॉजिटिव रिटर्न है जो एक गुड न्यूज़ है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। सेबी ने इसके सर्किट को रिवाइज करके 20% का करा हुआ है, तो अगर इसमें अपर सर्किट लगता है तो 20% का लगेगा, लोअर सर्किट लगता है तो भी 20% का लगेगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बट मैं आपको जो शॉर्ट टर्म टारगेट दूंगी वो डेफिनेटली आपको उस पर ध्यान ज़्यादा देना है बिकॉज वो आपको अचीव होते पहले दिखने वाला है। प्रोमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज हुई है, अभी तक अपडेट नहीं हुई है, बट प्रोमोटर्स शेयर को बाय करने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो कंपनी पे काफ़ी ट्रस्ट कर रहे हैं। ग्लोबली इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है एंड वॉल्यूम देखा जाए आज का तो फ्रेंड्स वॉल्यूम है 38 लाख, कल 46 लाख था, थोड़ा सा कम हुआ है, बट हाँ वॉल्यूम फिर भी अभी अच्छा सस्टेन किया हुआ है कंपनी ने। बात करें कोरोना के केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं तो मार्केट कंपनी का बिजनेस दोबारा से ज़्यादा ग्रो की तरफ जा सकता है। 100% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं आपको शेयर को बाय डेफिनेटली करना चाहिए। होल्ड तो करके आप रखिए जिन्होंने बहुत लो प्राइस में इसे ले रखा है। यहाँ फ्रेंड्स एक अपॉर्चुनिटी भी बनी थी, जैसे पिछले दिनों गिरावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पे। अगर आप बाई करते हो तो आप एक बहुत अच्छा रिटर्न 20-30% डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं। जो लास्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुकी हूँ, वो जो शेयर प्रोमोटर्स ने शेयर खरीदे हैं उन्हीं के बारे में है। सो द मेन थिंग, अब आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स में अपर साइड में लेके चलिए फ्रेंड्स। 9 रुपीज़ का आपको कुछ ही दिनों में अचीव होते देखने को मिलेगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो आप लोअर साइड का टारगेट भी मैं आपको डेफिनेटली देना चाहूँगी, वो फ्रेंड्स आप 5 रुपीज़ का इसमें लेके चलिए। तो चांसेस हैं ज़्यादा कि अगर शेयर ने बाउंस बैक अच्छा कर दिया तो आपको 9 रुपीज़ सबसे पहले देखने को मिलेगा, बट बीच में अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो आपको फिर 5 रुपीज़ से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बट इस गिरावट से घबराना नहीं है बिकॉज लॉन्ग टर्म व्यू है, तो शेयर आपको ग्रो करता ही दिखने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिनकॉम फॉर्मुलेशन। कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लास्ट अपडेट यही है कि प्रोमोटर्स ने शेयर बाय किए थे, जिनकी अपडेट मैं आपको दे चुकी हूँ। कंपनी इनकी मुंबई में है और काफ़ी अच्छा बिजनेस रन कर रही है, प्रोडक्ट रेंज बहुत सारी है, तो इनको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट डेफिनेटली हो ही जाता है फ्रेंड्स। तो बेल बटन प्रेस कर दीजिए, नेक्स्ट कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली वीडियो के थ्रू ज़रूर बताने वाली हूँ। चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट, प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। टारगेट्स ध्यान रखने का, अपसाइड है 9 रुपीज़ जो जल्दी से अचीव होगा, जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, और डाउन ट्रेंड का 5 रुपीज़ है फ्रेंड्स, सो वहाँ पे आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर चलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो शेयर से रिलेटेड आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।